नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रेमा चौधरी। आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूं एक आंखों की बहुत ही आम समस्या के बारे में, जिसे हम आम भाषा में आंख आना कहते हैं। इसे पिंक आई भी कहा जाता है और मेडिकल टर्म में इसे कंजक्टिवाइटिस के नाम से जानते हैं। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कंजक्टिवा क्या होता है, कंजक्टिवाइटिस क्या होता है और कंजक्टिवाइटिस होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं। अगर किसी को कंजक्टिवाइटिस हो गया और उसने उचित उपचार नहीं करवाया तो उसकी वजह से उसकी आंखों पर क्या बुरा प्रभाव पड़ सकता है, यानी इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, इसके प्रिवेंशन यानी इससे बचाव हम कैसे कर सकते हैं और होम्योपैथिकली हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए कंजक्टिवाइटिस के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, इन सब के बारे में डिटेल में हम आज के वीडियो में जानेंगे। तो बने रहिए अंत तक। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मैं जो भी वीडियो लेकर आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। कंजक्टिवाइटिस समझने से पहले समझ लेते हैं कंजक्टिवा क्या होता है। दोस्तों, कंजक्टिवा जो है एक झिल्ली है जो हमारे आंखों को कवर करती है। हमारे आंखों में एक पारदर्शी पतली झिल्ली होती है और यह हमारे आंखों की जो पलके हैं उसके निचली सतह को और साथ ही हमारे नेत्र गोलकों के जो सफेद हिस्सा है उसको कवर करती है। इसे हम कंजक्टिवा कहते हैं। जब किसी तरह से इस कंजक्टिवा में, इस झिल्ली में सूजन आ जाता है या संक्रमण हो जाता है तो उस स्थिति को हम कंजक्टिवाइटिस, आंख आना या पिंक आई कहते हैं। दोस्तों, इस कंजक्टिवा में महीन महीन रक्त नलिकाएं होती हैं जो कंजक्टिवा को ब्लड सप्लाई करती हैं। ये महीन रक्त नलिकाएं जो हैं सूजन के कारण उभर करके और अच्छे से दिखने लगती हैं। इस वजह से हमारी आंखों का जो सफेद हिस्सा है वो रेड या पिंक दिखने लगता है, इसीलिए इसे पिंक आई भी कहा जाता है। अब जानते हैं इसके कारणों के बारे में। पहला कारण है एलर्जिक। किसी भी तरह का एलर्जी हो आपको किसी चीज से, जैसे धूल के कण हैं, कुछ पॉल्यूटेंट्स हैं या पराग कण हैं, इनकी वजह से अगर आंखों में इन्फेक्शन हो तो उसको हम एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। दूसरा कंडीशन होता है इन्फेक्शियस। दोस्तों, किसी भी तरह का इन्फेक्शन, चाहे वायरल हो या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, उसकी वजह से भी कंजक्टिवाइटिस होता है। वायरल इन्फेक्शन में मेन होते हैं एडिनो वायरस, हर्पीस जूस्टर वायरस, वेरिसिला वायरस और कुछ दूसरे वायरसेस। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में गोनोकोकल इन्फेक्शन, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन और स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा क्लेमाइडिया ऑक्युलोजेनाइटिस की वजह से भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये तो है संक्रमण करने वाले इसके कारक। और इसके अलावा हो सकता है कुछ रसायनों की वजह से हमारी आंखों में कंजक्टिवाइटिस हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, स्विमिंग पूल में अगर क्लोरीन की मात्रा ज्यादा है तो उसके कांटेक्ट में आने की वजह से भी आंखों में इन्फ्लामेशन हो सकता है। और रसायनों के अलावा तो आंखों को चोट लगने के कारण, आंखों में कोई बाहरी चीज घुस जाने के कारण भी कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। जो लोग कांटेक्ट लेंस का इस्तेमाल करते हैं वो नियमित रूप से कांटेक्ट लेंस को अगर निकालते नहीं हैं और लंबे समय तक लगाए रखते हैं, इनकी सफाई अच्छे से नहीं करते हैं तो उसकी वजह से भी हो सकता है। आई मेकअप जो लोग करते हैं वो लोग अगर अच्छी क्वालिटी के आई मेकअप प्रोडक्ट्स यूज नहीं करते या एक्सपायरी डेट के प्रोडक्ट्स गलती से यूज कर लेते हैं तो उसकी वजह से भी हो सकता है। एक और कारण होता है, जो नवजात शिशु होते हैं उसमें लैक्रिमल डक्ट ब्लॉक रहती है जिसकी वजह से भी कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। नवजात शिशुओं को मदर से इन्फेक्शन लग जाने के कारण भी कंजक्टिवाइटिस होती है, जिसे ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम के नाम से हम जानते हैं। यह कंजक्टिवाइटिस वेजाइनल डिलीवरी के दौरान जो मदर से एसटीडीज के जो बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे गोनोकोकल इन्फेक्शन है, उसकी वजह से हो सकता है। स्ट्रेप्टोकोकल, स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन वगैरह अगर मदर से बच्चे में, या फिर क्लेमाइडिया ऑक्युलोजेनाइटिस नामक जो कीटाणु है इसके कारण से मदर से संक्रमण नवजात शिशु में चला जाता है, उसकी वजह से भी ये कंडीशन हो सकती है। दोस्तों, ये तो थे इसके कारण। अब जानते हैं इसके लक्षणों के बारे में। जो लक्षण इसके होते हैं कंजक्टिवाइटिस के, उसमें आंखों में सूजन आ जाती है, आंखों में दर्द होने लगता है, आंखों में किरकिरी सी होती है, आंखों में खुजली भी हो सकती है
और आंखों से असामान्य रूप से आंसू निकलते हैं, आंखों में जलन होती है या स्मर्टिंग पेन होता है, कुछ गड़ रहा है आंखों में इस तरह का अनुभव होता है, पलकें सूज जाती हैं, आंखों से डिस्चार्ज निकलने लगता है जो पतला या गाढ़ा हो सकता है, आगे चलकर बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर है तो उसकी वजह से ये डिस्चार्ज जो है पुरुलेंट हो जाता है। तो इस तरह के इसके लक्षण होते हैं। जो डिस्चार्ज होता है वो थिक हो सकता है और सुबह उठने पर रात भर का डिस्चार्ज इकट्ठा होने के कारण पलकें चिपकी हुई आपको मिल सकती हैं। इसके साथ ही जैसा कि मैंने बताया आंखें लाल दिखाई देने लगती हैं या पिंक दिखती हैं। कंजक्टिवाइटिस से बचने के क्या उपाय होते हैं? दोस्तों, कंजक्टिवाइटिस जो होता है वो हाईली इन्फेक्शियस होता है, बहुत ही संक्रामक होता है, एक से दूसरे में बहुत तेजी से फैलता है। तो इससे बचने के लिए आपको सबसे पहला उपाय तो ये करना है कि संक्रमित व्यक्ति से दूर रहना है, उसकी चीजों का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है, आंखों को अनावश्यक रूप से नहीं छूना चाहिए और अगर छूने की आवश्यकता पड़ती है तो पहले हाथों को अच्छी तरह से साफ करके फिर उसके बाद ही आपको छूना चाहिए। हाथों को बार बार साबुन से अच्छी तरह से धोना चाहिए, अपना तौलिया, बेडशीट, रुमाल वगैरह साफ सुथरा रखना चाहिए। जो लोग कॉन्टेक्ट लेंस का इस्तेमाल करते हैं उन्हें नियमित रूप से उनको साफ करना चाहिए। ये आई मेकअप जो लोग लगाते हैं उनको एक्सपायरी डेट वाले प्रोडक्ट्स बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, अच्छी कंपनी के, अच्छी क्वालिटी के जो आई मेकअप के सामान हैं वो इस्तेमाल करने चाहिए। तो इस तरह से आंखों की देखभाल करके आप कंजक्टिवाइटिस से बच सकते हैं। अब जानते हैं इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, यानी अगर किसी ने वक्त रहते इसका ट्रीटमेंट नहीं कराया तो उसकी वजह से उसकी आंखों पर क्या दुष्प्रभाव पड़ सकता है। दोस्तों, इसकी वजह से कॉर्नियल अल्सर हो सकता है आगे चलकर, जिसकी वजह से कॉर्निया में जो है छेद हो सकता है, परफोरेटेड कॉर्निया की समस्या हो सकती है, जिसकी वजह से ब्लाइंडनेस भी आ सकता है। कॉर्नियल अल्सर या कॉर्नियल परफोरेशन के अलावा आयरिस जो है वो प्रोलैप्स हो सकता है, मैक्युलर फिक्सेशन की वजह से भेंगापन आ सकता है यानी आंखें टेढ़ी हो सकती हैं। इसकी वजह से मेटास्टेटिक कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं जो कि रेयर होते हैं लेकिन होते हैं, जैसे कि अर्थराइटिस है जिसमें नी ज्वाइंट, एंकल ज्वाइंट, रिस्ट ज्वाइंट वगैरह में पेन हो सकता है, कार्डाइटिस हो सकता है और दूसरे किसी तरह के इन्फेक्शन हो सकते हैं जो बॉडी के रिमोट पार्ट्स को भी प्रभावित कर सकते हैं। इसके कारण जो है पेन ऑप्थेल्माइटिस एक कंडीशन है जिसमें पूरी आंख में सूजन आ जाती है। तो दोस्तों, इस तरह के इसके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और समय रहते इसका उचित इलाज करके हम इसको ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, कई पेशेंट आते हैं जो पूछते हैं कि मैडम क्या होम्योपैथी में इस चीज का इलाज है, क्या आप इस बीमारी का भी ट्रीटमेंट करती हैं? तो दोस्तों, चाहे बीमारी हमारे बॉडी के किसी भी अंग की क्यों ना हो, आंख की हो, कान की हो, नाक की हो, कहीं की भी हो, होम्योपैथी में सभी बीमारियों का इलाज होता है। तो आप ये ना सोचे कि होम्योपैथी में इस बीमारी की दवा मिलती है या नहीं, या उस बीमारी की दवा मिलती है या नहीं। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो बेझिझक अपने होम्योपैथ के पास जाइए और बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी होम्योपैथिक दवाई बिल्कुल भी मत लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी को कंजक्टिवाइटिस है तो होम्योपैथ को किस तरह से उस कंजक्टिवाइटिस की कंडीशन को डील करना चाहिए। दोस्तों, होम्योपैथी में पेशेंट को ट्रीट करने के लिए सबसे पहले आपको अच्छी तरह से डायग्नोसिस आनी जरूरी है कि लक्षणों के आधार पर आप पहचाने कि क्या कारण है उस कंजक्टिवाइटिस का, क्योंकि जब आप रिपर्टरी खोलते हैं तो उसमें आपको कई टर्म्स मिलते हैं जिनके आधार पर आपको ट्रीटमेंट करना रहता है। अगर आप अच्छे से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, डायग्नोज नहीं कर पाएंगे तो समझ भी नहीं पाएंगे कि क्या प्रॉब्लम है। डायग्नोसिस के लिए मैं तो जनरली जो है क्लिनिकली ही डायग्नोज करती हूँ, लेकिन कोई कोई केस में अगर बहुत लंबा रह गया कंजक्टिवाइटिस ठीक नहीं हो रहा है तो उस स्थिति में जो है आप कुछ लैब टेस्ट करवा सकते हैं, जैसे आंखों का डिस्चार्ज का आप जांच करवा सकते हैं, हिस्टोलॉजिकल और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन उसका करवा सकते हैं, कंजक्टाइवल कल्चर कराया जा सकता है जिससे किसी तरह का अगर बैक्टीरिया वगैरह है तो वो कल्चर में पता चल जाता है आपको कि एग्जैक्ट किस वजह से हुआ है। आप इसके लक्षणों के आधार पर भी डिफ्रेंशिएट करके समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो वायरल कंजक्टिवाइटिस होता है उसमें पहले एक आंख प्रभावित होती है और फिर दूसरी आंख प्रभावित होती है। वायरल कंजक्टिवाइटिस और एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस दोनों में डिस्चार्ज जो होता है वो पतला होता है,
और जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तब ये म्यूकोपुरुलेंट हो जाता है, और जब ये ज्यादा ही पुरुलेंट हो जाता है इसका मतलब होता है कि एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि सीवियर है। तो इस तरह से आप इसके डिस्चार्जेस से भी समझ सकते हो। रिपर्टरी में आपको टर्म्स मिलते हैं जैसे गोनोकोकल इन्फेक्शन, सिफिलिटिक कंजक्टिवाइटिस, ग्रेन्यूलर कंजक्टिवाइटिस, प्लेक्टिन्यूलर कंजक्टिवाइटिस, पुरुलेंट कंजक्टिवाइटिस, कंजक्टिवाइटिस ड्यू टू फॉरेन बॉडीज। तो ये सारी चीजें आपको जाननी है, उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट करना है और समझना है कि पेशेंट के लिए कौन सी दवाई उचित होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की आंख में कोई फॉरेन बॉडी चला गया है तो उसके लिए हमें एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन की ओर ध्यान देना पड़ेगा, जिसमें से हमें लक्षणों के आधार पर एक दवा चुननी रहेगी। जैसे एकोनाइट, आर्निका, साइलिसिया, कैल्केरिया, पल्सटिला और सल्फर, ये इसकी मुख्य दवाइयां हैं जो फॉरेन बॉडीज की वजह से अगर आंख में कोई प्रॉब्लम है तो उसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है, अगर कंजक्टिवाइटिस जो है इन्फेंट्स में है तो कौन सी मेडिसिन हमें अप्रोच करनी चाहिए। इसमें है एपिस, अर्जेंटम नाइट्रिकम, कैल्केरिया, नाइट्रिक एसिड, पल्सटिला और थूजा, इस तरह के ग्रुप ऑफ मेडिसिन की ओर हमें ध्यान देना चाहिए। गोनोरियल कंजक्टिवाइटिस में सबसे अच्छा काम कौन सी करेंगी, तो इसमें जो एंटीमियाजमेटिक अप्रोच है वो हमें करना पड़ता है, जैसे थूजा है, नाइट्रिक एसिड है, पल्सटिला है, इस तरह की मेडिसिन उसमें इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा एंटीमटार्ट, मर्कसॉल, स्पाइजेलिया और सल्फर, इस तरह की मेडिसिन जो हैं, एंटीगोनोरियल मेडिसिन जो हैं, वो काम करेंगी। सिफिलिटिक कंजक्टिवाइटिस के केसेस में जहां पे आपको कॉर्नियल अल्सर वगैरह देखने को मिलता है, इस तरह की कंडीशन में एसाफिटिडा, काली आयोड, मर्कसॉल, मर्कोर, नाइट्रिक एसिड, फाइटोलक्का, ये सब इस्तेमाल करना चाहिए। आंखों में किसी तरह की अगर चोट लग गई है और उसकी वजह से कंजक्टिवाइटिस है तो आपके लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बदल जाएगा, यहाँ पे आपको एकोनाइट, आर्निका जैसी दवाइयों की ओर ध्यान देना होगा। ग्रेन्यूलर कंजक्टिवाइटिस की कंडीशन अगर है जिसमें छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स आपको कॉर्निया में दिखाई देते हैं तो इस तरह की कंजक्टिवाइटिस के लिए अर्जेंटम नाइट्रिकम इस्तेमाल किया जाता है। कोल्ड एप्लीकेशन से अगर राहत मिल रही है तो ऐसे केसेस में एपिस और पल्सटिला के इस्तेमाल से अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। पस्टुलर कंजक्टिवाइटिस अगर है, यानी पस ज्यादा निकल रहा है कंजक्टिवाइटिस में, तो ऐसे केसेस में थूजा, साइलिसिया, एपिस, कैल्केरिया, क्लेमेटिस, ग्रेफाइटिस, कालिकाव, पेट्रोलियम, सोराइनम, पल्सटिला, सिकलकॉर, सीपिया और सल्फर जैसी दवाइयां काम आती हैं। तो प्रॉपर डायग्नोसिस और काजेशन के साथ साथ आप इसकी मॉडलिटी पे ध्यान दें तो आप सभी केसेस जो हैं ठीक कर सकते हैं। तो कुछ इंडिविजुअल मेडिसिन के बारे में हम समझ लेते हैं कि छोटे छोटे लक्षण होते हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा आपको रटना नहीं पड़ता है। आप इसके बेसिक बेसिक लक्षण अगर याद रख लें तो आप पेशेंट को आसानी से ट्रीट कर सकते हैं। पहली मेडिसिन है यूफ्रेसिया। यूफ्रेसिया जो है कंजक्टिवाइटिस की जानी मानी होम्योपैथिक मेडिसिन है। ये एलर्जिक और वायरल कंजक्टिवाइटिस में बहुत अच्छा काम करती है। यूफ्रेसिया के आईड्रॉप्स भी आते हैं जो आप कंजक्टिवाइटिस के पेशेंट को साथ में लगाने के लिए भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, यूफ्रेसिया मेडिसिन पहला लक्षण है बहुत ज्यादा आंसू आना आंखों से, और यह आंसू जो है वो तीखापन लिए हुए रहता है, यानी एक्रिड लेक्राइमल डिस्चार्ज होता है जिसकी वजह से जो आंसू निकलता है तो उसके आसपास का हिस्सा छिलने जैसा हो जाता है, इस तरह का इसका लक्षण होता है। ये प्रैक्टिकली आपको ऐसा छिला हुआ सा नहीं दिखेगा, लेकिन पेशेंट इसकी वजह से आंखों में जलन बताता है। तो आंखों में जलन वाला दर्द है, साथ में आंखों में कुछ गड़ रहा है जैसे अनुभूति होती है, आंखें लाल हो जाती हैं, पलकों में सूजन आ जाता है, तो इस तरह के लक्षणों के लिए यूफ्रेसिया बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। रूमेटिक कंजक्टिवाइटिस के लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है, यानी जोड़ों के दर्द के साथ में अगर आंखों में प्रभाव आपको दिखता है तो ऐसे कंडीशन में भी यूफ्रेसिया दी जा सकती है। यूफ्रेसिया के जो डिस्चार्ज होते हैं वो थिक होते हैं और साथ में एक्रिड होते हैं, जबकि मर्कसॉल से अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो मर्कसॉल के जो डिस्चार्ज होते हैं वो थिन होते हैं और एक्रिड होते हैं। तो इस तरह के कंजक्टिवाइटिस के लिए मर्कसॉल एक अच्छी मेडिसिन है जिसमें डिस्चार्ज थिन हो और एक्रिड, आंखों में सूजन हो और साथ में
दर्द हो, चुभन हो, जलन हो। पहले मेडिसिन है बेलाडोना। इफ्रेसिया से स्टेज थोड़ा सा आगे निकल गया हो, आंखें ज्यादा लाल दिख रही हो और उसमें बहुत ज्यादा दर्द हो, लेटने पर पेशेंट को थ्रोबिंग पेन हो, तो इस तरह का अगर पेन है, थ्रोबिंग पेन यानी कुछ पल्सेशन सा हो रहा है, इस तरह का महसूस होता है पेशेंट को, जैसे धड़कन चलती है, नाड़ी चलती है, वैसे आंखों में खिंचाव सा, दर्द सा होता रहता है पेशेंट को। पेशेंट की जो कंडीशन है वो सडन ही चालू होती है, यानी पहले ठीक ठाक था, अचानक से आंखों में दर्द होने लगा और कंजक्टिवा में सूजन आ गया, कंजक्टिवाइटिस की कंडीशन हो गई, डेवलप हो गई और वो सब कुछ सडनली हुआ। तो इस तरह के अगर लक्षण हैं तो ऐसी कंडीशन में बेलाडोना एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अगली मेडिसिन है एकोनाइट। दोस्तों एकोनाइट में कोई एक्यूट प्रॉब्लम अगर आंखों में आ रही है, कोई फॉरेन बॉडी आंख में चला गया हो, जैसे राख या कोयले के कण या कुछ ऐसी फॉरेन बॉडी आंखों में चला गया हो जिसकी वजह से एक्यूट प्रॉब्लम अराइज हो गई हो, ठंडी हवा का झोंका लग गया हो जिसकी वजह से आंख आना चालू हो गया हो, तो इस तरह के लक्षणों के लिए एकोनाइट बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसमें आंखों में जो है ड्राइनेस फील होता है, आंखें हॉट लगती हैं और पेशेंट को बहुत ज्यादा तकलीफ रहती है, तो इस तरह का जो प्रॉब्लम है वो अचानक ही बेलाडोना की तरह आने लगता है। कोल्ड विंड के एक्सपोजर से और फॉरेन बॉडीज से इस तरह की अगर प्रॉब्लम आती है तो एकोनाइटिस के लिए बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है, आप ये दे सकते हैं, इससे पेशेंट को बहुत ही जल्दी राहत हो जाती है। अगली मेडिसिन है आर्निका मोंटाना। जब कोई फॉरेन बॉडी आंखों में चला गया या कोई चोट लग गई जिसकी वजह से कीमोसिस हो गया, यानी आंखें जो है वो ज्यादा कंजेस्टेड हो गई, रेटिनल हेमरेज या फिर कंजेक्टिवल हेमरेज हो गया, जिसमें जो कंजेक्टाइवा के नीचे जो है बहुत सारा ब्लड इकट्ठा हो जाता है, इसलिए एकदम आईज जो होती हैं ऐसे लगती हैं जैसे आंखों में कोई लाल बल्ब जल रहा है, तो इस तरह से एकदम से रेड आई आपको दिखाई देती है, ऐसी कंडीशन अगर है तो उसमें आपको आर्निका मोंटाना जो है वो अच्छा रिजल्ट देगी, आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली मेडिसिन है एपिस मेलिफिका। दोस्तों एपिस मेलिफिका हम तब देते हैं जब आंखों में पुरुलेंट कंजक्टिवाइटिस की कंडीशन डेवलप होने लगती है, आंखों में सूजन आ जाता है, सूजन इतना ज्यादा रहता है कि ऊपर और नीचे की पलकें इतना सूज जाती हैं जिससे आंखें एकदम बंद सी लगती हैं, स्टिंगिंग टाइप का पेन होता है, जैसे किसी ने कीड़े ने दंस मार दिया हो, इस तरह का दर्द रहता है, चुभन वाला दर्द होता है, काफी ज्यादा पेशेंट को तकलीफ रहती है, आंखें खोलने में दिक्कत होती है, इस तरह से पलकें एकदम टेंस हो जाती हैं सूज करके, और इसमें जो डिस्चार्ज होता है वो पुरुलेंट डिस्चार्ज होता है, स्टेफाइलोमा बन जाता है आंखों में, तो इस तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए एपिस मेलिफिका जो है वो बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। जो बच्चों में इन्फेक्शन होता है ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम, इसके लिए भी यह एक बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। चाहे एडल्ट्स में पुरुलेंट कंजक्टिवाइटिस हो तो उसके लिए भी अच्छी मेडिसिन है। स्टाइस के लिए भी ये अच्छी मेडिसिन होती है। बार बार अगर आंखों में गुहेरी या स्टाई होती है तो उसको ट्रीट करने के लिए, उसकी रिकरेंसी को खत्म करने के लिए भी आप एपिस मेलिफिका का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली मेडिसिन है अर्जेंटम नाइट्रिकम। दोस्तों अर्जेंटम नाइट्रिकम जो है वो सिप्लेटिक ओरिजिन टाइप के जो कंजक्टिवाइटिस होता है उसके लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। ग्रेन्युलर कंजक्टिवाइटिस जिसमें जो कॉर्निया है उसमें छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स या दाने बन जाते हैं, इस तरह के कंजक्टिवाइटिस अगर है, आंखें लाल हो गई हैं, सूजन आ गई है आंखों में और बहुत ज्यादा प्रोफ्यूज डिस्चार्ज निकल रहा है जो कि पुरुलेंट हो, तो इस तरह के डिस्चार्जेस के साथ में कॉर्नियल अल्सर अगर डेवलप हो गए हैं, आंखों में जो दर्द होता है उसमें आंखों को बंद करके उनको प्रेस करने से पेशेंट को राहत मिलती है, यह है इसकी मॉडलिटी। और अर्जेंटम नाइट्रिकम जो है वो आंखों के आसपास के जो मसल्स हैं, सिलियरी मसल्स हम जिन्हें कहते हैं, उनकी वीकनेस को दूर करने के लिए, उनकी पैराटिक कंडीशन को दूर करने के लिए भी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसके इस्तेमाल से इस तरह की पैराटिक कंडीशन जो है वो ठीक हो जाती है और आंखों के मांसपेशियों को ताकत मिलती है। अगली मेडिसिन है पल्सटिला। पल्सटिला के जो सिम्टम होते हैं उसमें पुरुलेंट डिस्चार्ज निकलते हैं, पुरुलेंट कंजक्टिवाइटिस है जिसमें आंखों से जो डिस्चार्ज है वो पीलापन लिए है, ग्रीनिश येलो डिस्चार्ज रहता है, जो चिपचिपा रहता है, आंखें सुबह को चिपकी हुई मिलती हैं पेशेंट की, इस तरह से कंडीशन रहती है। पल्सटिला के पेशेंट को खुली हवा में बाहर थोड़ा राहत मिलता है, क्लोज रूम्स में उसकी समस्या जो है बढ़ जाती है। ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम की भी यह बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अगर ऑप्थेल्मिक कंडीशन है, गोनोरियल इन्फेक्शन है, तो उसकी वजह से अगर
कोई कंडीशन है तो इसमें भी आप पल्सेटिला दे सकते हैं। दोस्तों कोई फॉरेन बॉडी भी अगर आंखों में चला गया है जिसकी वजह से इन्फेक्शन है तो उसमें भी आप पल्सेटिला का इस्तेमाल कर सकते हैं साइलिसिया से पहले। डायरेक्ट साइलिसिया देने से कई बार एग्रवेट हो जाता है, इसलिए साइलिसिया से पहले अगर आप पल्सेटिला देते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मैंने क्लिनिकली देखा है इसका, कि जिससे एग्रवेट भी नहीं होता और पल्सेटिला भी फॉरेन बॉडी को निकालने में हेल्प करती है और साइलिसिया भी, और जो डिस्चार्ज है पस है वो भी ठीक हो जाता है। तो मेडिसिन एक साथ आपको दो कभी भी नहीं देनी है, अल्टरनेट करके आप दे सकते हैं कि एक दवा दिए उसके बाद में आपको दूसरी दवा की जरूरत पड़ सकती है, और एक्यूट कंडीशंस में बार बार दवाइयां बदलनी भी पड़ सकती हैं जब तक कि पेशेंट के लिए आप सही और सटीक दवा ना चुन लें। अगली मेडिसिन है साइलिसिया। आंखों में किसी तरह का फॉरेन बॉडी अगर चला गया है तो उसके लिए आप पल्सेटिला की एक डोज दे करके साइलिसिया का इस्तेमाल कीजिए, जिससे उसमें बहुत ही राहत मिलेगी। अगर लेक्राइमल डक्ट क्लोज है उसकी वजह से कोई इन्फेक्शन बढ़ रहा है तो उसकी वजह से, अगर कंजक्टिवाइटिस है तो उसमें भी साइलिसिया अच्छा काम करती है। पुरुलेंट डिस्चार्ज अगर आंखों से आ रहा है तो उसमें उसके साथ में शार्प पेन है, बहुत तेज दर्द है आंखों में, तो उसके लिए साइलिसिया एक अच्छी मेडिसिन है। साइलिसिया का एक और लक्षण है जो इसके कॉम्प्लिकेशन की ओर अगर जा रहा है, कंजक्टिवाइटिस, पुरुलेंट कंजक्टिवाइटिस जो है उसमें कॉर्नियल अल्सर का परफोरेशन हो रहा है या स्लफिंग हो रहा है, तो उस केस में भी आप साइलिसिया का इस्तेमाल करके उस कंडीशन को रोक करके पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों अगर कंजक्टिवाइटिस के बाद कॉर्नियल ओपेसिटी डेवलप हो गई है जो ठीक नहीं हो रही है, तो इस तरह के केसेस में साइलिसिया 30 लंबे समय तक अगर आप देते हैं तो उससे कॉर्नियल ओपेसिटी धीरे धीरे खत्म होकर के पेशेंट की विजन इम्प्रूव हो जाता है। साइलिसिया का जो कंजक्टिवाइटिस है उसमें पढ़ते वक्त पेशेंट को लगता है कि लेटर्स जो हैं एक दूसरे के साथ रन कर रहे हैं, समझ में नहीं आता है एग्जैक्ट कि वो क्या शब्द हैं, तो इस तरह के लक्षण अगर हैं तो साइलिसिया का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस तरह की और भी मेडिसिन हैं जो आपको इंडिविजुअलिटी के आधार पर देनी है। अगर आप होम्योपैथ नहीं है तो बिल्कुल भी डॉक्टर की सलाह के बिना कोई दवा ना लें। ये थी जानकारी कंजक्टिवाइटिस के बारे में। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसे शेयर कीजिए, लाइक बटन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि हम इतनी मेहनत से आपके लिए ये वीडियोस बनाते हैं, आपसे उम्मीद बस एक लाइक की करते हैं ताकि हमको इंकरेजमेंट मिल सके। अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपके मन में किसी तरह के सवाल उठ रहे हैं तो उसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, धन्यवाद।